केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 और 16 डिफरेंट पोस्ट के लिए थी। आपने देखा था जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, फाइनेंस ऑफिसर, पीआरटी आदि डिफरेंट पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट 15 और 16 एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी किया गया था और जो 7/2/2023 से स्टार्ट हो रहे थे, 6/3/2023 तक चल रहे थे, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसको लेके परीक्षा पोस्टपोन होने जा रही है, इसको लेके एक बड़ी खबर आ रही है। जैसे ही वो आ जाएगी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिस बोर्ड पे, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एक्चुअल में लाखों की संख्या में जो फॉर्म भरे गए उनमें से काफी सारे बच्चे हैं जिनको फीस सबमिट करने में दिक्कत हुई या जिन्होंने सिग्नेचर वगैरह अपलोड किए उनको लेके काफी सारे एरर आ रहे हैं। तो इतने बड़ी संख्या के अभ्यर्थियों के एरर दूर कराने में टाइम चाहिए और सब तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम मांग रहे हैं सिर्फ एरर कलेक्शन के लिए। तो उसको लेके कहा जा रहा है कि ये जो 7/2 का शेड्यूल है, ये टेंटेटिव था, इसको चेंज किया जा रहा है और अब ये परीक्षा अप्रैल 2023 तक पोस्टपोन होने की बात चल रही है। लेकिन अंतिम स्थिति केवीएस की साइट से ही क्लियर होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि केवीएस की जो भी अपडेशन आएगी वो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देंगे। ये जो फॉर्म फिलिंग के दौरान एरर रहा, जो सॉफ्टवेयर या टेक्निकल एरर रहा, जिसकी वजह से काफी सारों की पिक्चर्स के लिए उनको मेल आ रहे हैं, इसको री अपलोड करो या सिग्नेचर को आ रहे हैं, उस संदर्भ में का सूचना जो आ रही है सूत्रों से कि इस परीक्षा को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो ये परीक्षा मार्च महीने में एग्जाम होने की वजह से लगभग अप्रैल महीने तक शिफ्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जैसा होगा वो केवीएस की फाइनल साइट पे ही होगा, हमें जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।